जय हिंद दोस्तों, आज हम आर के नारायण द्वारा लिखी एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाउन हॉल पार्क में एक इमली के पेड़ के नीचे एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि एक ज्योतिष अपने थैले में से कुछ सामान निकालता है जिसमें कि कुछ दर्जनों कौड़ियां होती हैं, एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा जिसमें कि ज्योतिष विद्या संबंधी कुछ आकृतियां होती हैं, एक नोटबुक और एक पलमायरा बंडल। पलमायरा बंडल मतलब ज्योतिषों के पास कार्ड का एक बंडल रहता है, उसे पलमायरा बंडल। अपने सामान निकाल कर वह बैठता है। ज्योतिष ने अपने सर पे एक सैफ्रन कलर का पगड़ी पहना हुआ है, उसने अपने माथे पे तिलक लगाया हुआ है, भस्म का लेप किया हुआ है और उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक था। उसकी वेशभूषा को और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वह सच का एक ज्योतिष है। हालांकि ज्योतिषी शास्त्र की उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ज्योतिष बनेगा। इनफैक्ट उसके पूरे परिवार में कोई ज्योतिष नहीं था, किसी कारणवश वो अपना घर छोड़कर आ गया था और किस्मत से वह ज्योतिष बन बैठा था। वह जहाँ बैठता था उस सड़क का माहौल कुछ ऐसा था कि लोग स्वतः ही उस ज्योतिष की तरफ आकर्षित होकर चले आते थे। वहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह थी, वहाँ एक दवाई विक्रेता था, एक कपड़े का दुकान था, भंगार का सामान बेचने वाला था, वहाँ एक जादूगर भी अपना जादू दिखाया करता था और एक मूंगफली के ठेले वाला था जो कि अपनी मूंगफलियों को हर दिन एक नए नए नाम देकर अपने व्यापार को बढ़ाता था। ये टाउन हॉल पार्क का जो स्ट्रीट था, जो सड़क थी, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कोई लाइट नहीं थी। रात होते ही पूरा अंधेरा हो जाता था। जितने भी दुकानदार, जितने भी व्यापारी थे, सब अपना अपना चिमनी खुद जलाया करते थे, अपने अपने लिए लाइट का जुगाड़ खुद करते थे और कुछ जो थे वो दूसरों की लाइट के रोशनी के सहारे अपना दुकान चलाया करते थे। जैसे कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है, उसके साइड में जो मूंगफली वाला अपना दुकान चलाता था, उसकी चिमनी की रोशनी में एस्ट्रोलॉजर अपना काम किया करता था। एक दिन जब रात हो गई और मूंगफली वाले ने अपने चिमनी को बंद किया तो उसने एस्ट्रोलॉजर की तरफ भी इशारा किया कि अब चलते हैं। एस्ट्रोलॉजर जाने ही वाला था कि अचानक से उसे दिखाई देता है कि कोई उसके सामने से गुजर रहा है। एस्ट्रोलॉजर सोचता है इसको क्यों ना ग्राहक बनाया जाए और जो गुजर रहा था उस व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर आवाज़ देता है और कहता है कि तुम बहुत परेशान हो, तुम मुझसे अपना भविष्य जान लो, तुम्हारे मन को खुशी मिलेगी। इस तरह की बातें बनाकर वह मतलब उसको अपना कस्टमर बनाना चाहता है। जो कस्टमर है वह एस्ट्रोलॉजर की बातों को नहीं मानता है, वह गुस्सा हो जाता है, अपना हाथ एस्ट्रोलॉजर के नाक के नीचे दिखा देता है और कहता है कि देखो और बताओ कि मैं जिसकी खोज में आया हूँ वह मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर तुम नहीं बता सके तो मैं तुम्हारे सारे पैसे लेकर चला जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर कुछ घबरा जाता है और वह कहता है कि ठीक है, रहने दो, मैं कल आऊंगा और कल बताऊंगा, कल आ जाना। लेकिन ग्राहक जो था वह अड़ जाता है, वह कहता है मैं जा रहा था और तुमने मेरा रास्ता काटा, तुमने मुझे रोका है, तो अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर डरा हुआ रहता है, वह कहता है कि ठीक है, मैं 1 रुपए लूंगा बताने का। कस्टमर तैयार हो जाता है और एस्ट्रोलॉजर माचिस की तीली जलाकर हल्का सा रोशनी होता है जिसमें कि उस कस्टमर की एक झलक देखने को मिल जाती है एस्ट्रोलॉजर। अब एस्ट्रोलॉजर कस्टमर के हाथ देखकर उसे कहता है कि तुम्हारे जीवन पे एक खतरा आया था, तुम मरते मरते बचे हो। कस्टमर पूरा सरप्राइज हो जाता है और आश्चर्यचकित होकर वो कहता है अरे वाह, ये तो सच्ची घटना है। फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हें कुएं में डाल दिया गया था, तुम वहां से बच आए हो। इस बात से कस्टमर सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित होकर के वह फिर आगे पूछता है एस्ट्रोलॉजर से कि हाँ ये बात सच है और मैं उसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे कुएं में धक्का दिया था, तो क्या तुम बता सकते हो कि वह व्यक्ति कहाँ मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर अफसोस के साथ कहता है कि अब वो तो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, अगले जन्म में ही तुम्हारी भेंटघाट उससे हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने तुम्हें कुएं में धक्का दिया था वह व्यक्ति तो 4 महीने पहले ही मर चुका है। इस बात से कस्टमर
थोड़ा उदास होता है और पूछता है कि उसे किस तरह की मृत्यु मिली। तो एस्ट्रोलॉजर कस्टमर को खुश करने के लिए कहता है कि वह बड़ी बुरी मौत को प्राप्त हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से उसकी मृत्यु हुई है। साथ ही एस्ट्रोलॉजर कस्टमर को नसीहत देता है कि तुम इस तरफ अब दोबारा इस गाँव में मत आना, तुम्हारा गाँव नॉर्थ की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाओगे तो तुम 100 साल जियोगे। इसी बीच एस्ट्रोलॉजर उस कस्टमर को उसका नाम गुरु नायक भी बता देता है, जिससे कि गुरु नायक बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और बहुत ज्यादा कन्विंस हो जाता है और वह पैसे देता है, 12 आने लगभग देता है, जिसे एस्ट्रोलॉजर गिनता नहीं है और कस्टमर चला जाता है अपने। एस्ट्रोलॉजर भी खुश होता है और वह अपने घर आकर अपनी वाइफ से बातें करता है और वह बातें करने के दौरान अपनी वाइफ से कहता है कि आज मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया, हट गया है। मैं सोच रहा था कि मैंने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, लेकिन आज मैंने उसी व्यक्ति को देखा जिसका मैं सोच रहा था कि मैंने एक व्यक्ति को मारा है, लेकिन मैंने आज उस व्यक्ति को देखा जिसके बारे में मैं ऐसा सोच रहा था। फिर एस्ट्रोलॉजर बताता है कि कैसे वह जब युवक अवस्था में था और उसे बुरी लत थी शराब वगैरह की, तो वह अपने संगी साथियों के साथ मिल करके एक गुरु नायक को मार के कुएं में डाल देता है और ये समझता है कि गुरु नायक मर चुका है और इसी डर से वह अपना घर द्वार छोड़ करके आ जाता है दूसरे गांव और वहां एस्ट्रोलॉजर बन जाता है और शादी ब्याह करके वहीं पे रहने लगता है। तो यहां कहानी खत्म होती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह चतुराई के साथ गुरु नायक को उल्लू बनाकर एस्ट्रोलॉजर पैसे कमाता है। तो अब चलिए परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन किया जाए कहानी का थीम। थीम अगर देखा जाए तो कहानी का थीम एक एस्ट्रोलॉजर यानी एक ज्योतिषी के पूरे दिन की कहानी है और उस पूरे दिन में ज्योतिषी क्या क्या करता है उसका पूरा कहानी है इस कहानी में। और इसके साथ साथ मनुष्य के लालच और फिर उसके बैड क्वालिटीज जैसे कि होते हैं उन सबको भी दर्शाया गया है। कहानी का एटमोस्फेयर तो जो था वो टाउन हॉल पार्क का था और वहां पे दुकानें वगैरह थी, टाउन हॉल पार्क थी, दुकानें थी, उसके बाद में फिर बिना लाइट का किस तरह से मतलब एक अंधेरे वाला एटमॉस्फेयर प्रेजेंट किया है आरके नारायण ने। आई होप कि ये कहानी आपके काम आएगी और इसे सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर। थैंक यू।